बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आज हमें बड़ा प्यारा सा चैप्टर शुरू करना है बच्चे। चैप्टर का नाम आपका है नॉन बैंकिंग। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी, इसको शॉर्ट में हम यहाँ बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी, देखो इस चैप्टर में खास बात है, मैं आपको पहले बता दूँ, इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी थ्योरी एंड बहुत सारे चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट भी है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट बिना थ्योरी को समझे बगैर इस चैप्टर को समझना मुश्किल है मेरे बच्चे। कल को जब आप बड़े बच्चे बन जाएंगे, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, तो वहाँ पर एनबीएफसी का अगर रोल होगा तो आपको वहाँ पर बातें समझ में आएंगी। पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये एनबीएफसी होते क्या हैं, इनका क्रिएशन क्यों हुआ, हमारे सिलेबस में क्यों आया, क्यों इनको नॉन बैंकिंग कहा गया। नॉन बैंकिंग, जब हमारे देश में बैंक ऑलरेडी हैं, तो फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो फाइनेंशियल में, फाइनेंस में डील करते हैं, पैसे में डील करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा, सारी बातों को समझाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, उसके पहले आप आओ जरा हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में एग्जाम में अगर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं तो कितनी थ्योरी लिखनी है, क्या लिखना है, वो सारी बातें मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। मैं चाहता तो ये मैं अपने बुक में दिखा के कहता कि काम कर लो, बस काम खत्म हो गया, मैं आपको रटा देता, लेकिन उसमें मजा नहीं है। थ्योरी को समझने का और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है हाथ से लिखना। तो आप क्या करेंगे, जब मैं कुछ आपको लिखाऊंगा तो आपको मेरे साथ लिखना है, ताकि जैसे जैसे हमारा लेक्चर ख़त्म होगा, जितनी भी बातें इसके अंदर में होंगी वो साथ साथ में हमें याद होती चली जाए, ठीक है ना। तो आओ जरा शुरुआत करते हैं चैप्टर का। आप यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, शॉर्ट में एनबीएफसी, इसमें स्टार्ट कीजिए मेरे साथ लिखना। आप यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका मीनिंग, मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, इस एनबीएफसी का क्या मतलब होता है, हम उसको समझेंगे। फिर लिखेंगे आप सेकंड में यहाँ पे डिफरेंसेज, डिफरेंसेज बिटवीन, बिटवीन साथ साथ लिखेंगे आप एनबीएफसी, एनबीएफसी एंड बैंक। बैंक जो हमारे कंट्री में है और जो एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, हम वो भी समझेंगे। थर्ड पार्ट में आपको लिखना है मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ये एनबीएफसी भी कितने तरीके के होते हैं हम वो भी देखेंगे। फोर्थ में आपको लिखना है इनकम रिकॉग्निशन, ये जो एनबीएफसी जो हैं, ये इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, रिकॉग्निशन वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। पांचवा पॉइंट में आप लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी में, वो इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाएंगी, हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। सिक्स में आप लिखेंगे प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स पे प्रोविजन बनाना, ये क्या होता है हम आगे टॉपिक के साथ देखेंगे। और बच्चे आपका एट में CAR कैपिटल वर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी, एडिक्वेसी रेशियो, या फिर हम इसी को यहाँ पे आप एक और भी नाम से जानते हैं CRAR, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कैपिटल, कैपिटल टू रिस्क वेटेड, रिस्क वेटेड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, एसेट्स रेशियो। सर ये क्या होते हैं समझेंगे बच्चे, इसी पे तो हम पूरा समय आपके साथ गुजारेंगे। इसको समझने का फिलहाल ये समझना कि कार एग्जाम में आ जाए या CRAR, मीनिंग का आपका सेम होता है, दो नाम से इसको जाने जाते हैं। देखो आपको पहले ये बात समझना पड़ेगा कि जब हमारे देश में ऑलरेडी बैंक्स हैं और बैंकिंग सिस्टम जब इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे कंट्री में, इतने सारे बैंक हैं, HDFC है, ICICI बैंक है, अलाहाबाद बैंक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, कितने सारे बैंक हैं, तो फिर जब ये बैंक ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, लोन लेना, लोन देना, ये चीज़ जब ऑलरेडी है हमारे देश में, तो फिर NBFC की रिक्वायरमेंट क्यों आई। मेरे बच्चे आप अगर
अपने घर का पूरा कंट्रोल अगर किसी एक आदमी को आप दे देते हो तो वो आदमी एक मोनोपोली के रूप में काम करना शुरू करेगा, मतलब वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझेगा और जो भी वो काम करेगा उसको आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे। लेकिन उस आदमी के पैरेलल में अगर किसी आदमी को हम खड़ा करें ना, तो ये आदमी भी काम करने के टाइम पे सोचेगा कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा मैं, कहीं कोई दिक्कत तो कुछ गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहा। सर कहना क्या चाहते हो? मेरे बच्चे, बैंक जो हमारी कंट्री में है ना, ये ओवरऑल सिस्टम पे काम करते हैं, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, लोन देना, यहाँ वहाँ सब कुछ काम करते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इनके हाथ में दे दिया जाए तो शायद ये क्या करेंगे, अपने आप को एक तरीके से इस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे जिसमें कि छोटे छोटे लोग जो हमारे देश के हैं उन एरिया पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा, उन लोगों के साथ ठीक से काम नहीं हो पाएगा, किसान को लोन ठीक से नहीं मिल पाएगा। मान लो मैं कुछ और कोई एजुकेशन करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मुझे शायद ठीक से लोन नहीं मिल पाएगा। यानी कि हमारी कंट्री में क्या हुआ, जो बैंक्स हैं उनके पैरेलल, बहुत पैरेलल तो नहीं कहा जाएगा लेकिन बैंक अगर यहाँ है तो इसी से थोड़ा नीचे में हमने क्या किया, NBFC के कॉन्सेप्ट को डाला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये बैंक जो है बच्चे ओवरऑल पूरा काम कर रहा है, लेकिन कुछ एरिया जो स्पेसिफाई कर दिया गया उनको इनको दे दिया गया कि भैया आप एक काम करो, आप NBFC हो, आप इस सेगमेंट में काम करो। सर कौन सा सेगमेंट? कुछ भी हो सकता है बच्चे, मैं बताऊंगा कितने तरीके के हमारे NBFC होते हैं। हर एक NBFC को एक सेगमेंट दिया गया कि आप इस सेगमेंट में अपना काम करना शुरू करें। इससे क्या हुआ कि जो बैंक हमारे देश के हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते, और ये बड़े बड़े बैंक जिस सेगमेंट को, जिस सेक्टर को ठीक से नहीं देख पा रहे, जहाँ पे ये पैसे का फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे ये क्या करेंगे, पैसे के फ्लो को मेंटेन करेंगे। NBFC बिना किसी डाउट के ये बैंक से छोटे लोग होते हैं, इनका पर्पस जो होता है, इनका काम करने का तरीका जो होता है, उतना बड़ा दायरे का नहीं होगा मेरे बच्चे जितना बड़ा बैंक आपका होता है। लेकिन हाँ, ये भी क्या करते हैं, लगभग बैंक के तरीके से ही काम करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लगभग बैंक के तरीके से, जैसे बैंक आपका काम करता है लोन देना, लोन लेना, बहुत सारे वो सब कुछ करेंगे। आइए ना हम इसको डिटेल से जरा समझते हैं कि NBFC क्या होता है। लिखिए मेरे साथ पहले आप यहाँ पे, ये टॉपिक आपने लिख लिया होगा, मैं इसके आगे बताता हूँ, मैं एक एक टॉपिक को लेकर चलूँगा। पहला टॉपिक आपका मीनिंग ऑफ NBFC। आप बिल्कुल दिमाग को शांत करते हुए चलेंगे, दिमाग में ई फॉर मत आने देना, अपने आप बातें खत्म होते चले जाएंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। लिखिए पहले यहाँ पे नंबर वन, या तो मैं इसको मीनिंग कह दूँ, मीनिंग, या फिर कह दूँ डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ NBFC। एग्जाम में जो भी आ जाए हम उसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखिए जरा यहाँ पे। कहता है अ नॉन बैंकिंग, लिखेंगे मेरे साथ इसका मीनिंग क्या होता है, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी, इज अ कंपनी, ये कंपनी है मेरे बच्चे, इज अ कंपनी। कहता है रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर, रजिस्टर्ड अंडर, कहता है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013। ये पुराना हमारा कंपनी एक्ट है, ये नया वाला है, तो चाहे आप इसमें रजिस्टर पहले से हो चाहे इसमें हो, आप NBFC में आएंगे अगर आप एज कंपनी रजिस्टर्ड है तो, कॉमा। फिर कहता है इंगेज्ड, इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ, इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, लोन्स एंड एडवांसेज देना आपका काम है, लोन्स एडवांसेज, कॉमा एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉमा डिवेंचर्स, किसी कंपनी के शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेज करना, उसमें पैसे लगाना, एंड अदर सिक्योरिटीज, एंड अदर सिक्योरिटीज, या किसी और सिक्योरिटीज में जैसे बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, अदर सिक्योरिटीज, ठीक है ना,
कॉमा हायर परचेज, अगर आप यहाँ पे लोन्स एडवांसेज या तो आप इनको देते हैं जी शेयर सिक्योरिटी एक्विजिशन में, या फिर हायर परचेज एग्रीमेंट में आप जाते हो, हायर परचेज के लिए आप लोन फाइनेंस करते हो, हायर परचेज आपका, या फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका बिजनेस में आप हो इन्वॉल्व, एंड चिट फंड्स, चिट फंड्स आप जानते होंगे, चिट फंड्स का मतलब जैसे चिट बिजनेस लिख दो आप यहाँ पे, इसका मतलब कि जैसे नहीं होता चिट फंड की आपसे पैसा लेना, कुछ कमिटी बनाना, फिर आगे किसी को देना, फिर पैसा लेना, ये सब चिट फंड में आते, छोटे छोटे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर इसको मेंटेन करते हैं। तो ये कहता है कि एक तो NBFC इज ए कंपनी, कंपनी को कीजिए आप अंडरलाइन, ये कंपनी बच्चे रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 या 2013, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एडवांसेज या फिर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी, हायर परचेज के जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, हायर परचेज के बिजनेस का मतलब होता है ऑन हायर बेसिस लोन या कोई सामान किसी को देना, जैसे कि मैंने ट्रक परचेज किया और हायर बेसिस पे हमने दिया, वो सब कुछ कवर होगा, इंश्योरेंस बिजनेस आपका हो गया, चिट फंड हो गया, ये सब कुछ इसमें कवर होगा। पैराग्राफ चेंज करना, आगे लिखना द एनबीएफसी शॉर्ट में द NBFC डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशंस whose principal business is that of agriculture activity, comma industrial activity or sale of any goods sale of any goods आगे bracket में other than securities। सर समझाओ ना, समझाऊंगा बच्चे, लिखो पहले आप यहाँ पे, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल ऑब्लिक परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर मतलब लिखो बताऊंगा, लिखो यहाँ पे, आप लिखेंगे आप यहाँ पे, सर समझाओ ना, देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें आपको समझना है। एक तो कंपनी को आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना, और कहता है कि इंगेज्ड इन बिजनेस किसका जी, लोन्स एडवांसेज का, शेयर्स डिवेंचर्स आपका या अदर सिक्योरिटी एक्वायर करने का, हायर परचेज का, ऑब्लिक चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो लीज का बिजनेस, मैं समझाऊंगा, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया या चिट बिजनेस हो गया। मेरे बच्चे जो भी कंपनी इंगेज्ड है किस बिजनेस में जी, लोन्स एडवांसेज देने में, कर्ज देना उनका काम है, वो किसी शेयर्स को, सिक्योरिटी को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड को, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी का परचेज सेल उसका काम है, या फिर वो किसी हायर परचेज या लीज के बिजनेस में है, का मतलब होता है कि मान लो कोई हायर परचेज में कोई एसेट्स परचेज किया जा रहा है, उनको फाइनेंस करना, लीज पे कोई एसेट्स आपसे ले रहा है उसको फाइनेंस यानी कि उसके लिए पैसा देना, अगर ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो, इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो, चिट फंड का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हम यहाँ पे NBFC के डेफिनेशन में डालेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका प्राइम एक्टिविटी, माफ कीजिए, कहता है यहाँ पे
जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, मतलब जो मेन बिजनेस, अगर आपका एग्रीकल्चर करना है, अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स में डील करते हो, आप सर्विसेज में डील करते हो, हाँ कौन सा आपका यहाँ पे एक गुड्स को छोड़ के जी, जो हम सिक्योरिटी की बात, क्योंकि सिक्योरिटी का खरीदना बेचना हम एनबीएफसी में कर सकते हैं। यहाँ कहा गया कि अगर आपका मेन बिजनेस जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, गुड्स का बेचना खरीदना आपका है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, सेल परचेज करना किसी ई मेल प्रॉपर्टी का, तो वो एनबीएफसी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। यानी कि एनबीएफसी कौन हो गया, जिनका काम लोन्स एडवांसेज देना है, सिक्योरिटी के परचेज सेल आपका है, हायर परचेज के बिजनेस के अंदर में वो है, लीजिंग के बिजनेस में आपका है, इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस से चिट फंड के बिजनेस में आपका है, उनको यहाँ कहा जाएगा। देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, एक आपका जो हमने आपको बात यहाँ पे बताया, मैं ना एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट और लिख दो फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। ये तो एनबीएफसी का डेफिनेशन हुआ, एक वर्ड और यहाँ पे आएगा, कहते हैं रेजिडुअरी, RESIDUARY, रेजिडुअरी आपका नॉन बैंकिंग कंपनी। सर ये क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं पहले, अभी आगे और क्लियरिटी आपके पास आएंगी, पर बच्चे जितने भी एनबीएफसी होते हैं ना, जितने भी एनबीएफसी, इनको पब्लिक से डिपॉजिट्स लेने का अधिकार नहीं होता। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एनबीएफसी जो होते हैं ये पब्लिक से डिपॉजिट्स, कौन सा डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। सर डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? जो आप बैंक में करते हो, आप देखो आप बैंक में जब चाहो तो पैसा जमा कर देते हो, जब चाहो तो पैसा आप निकाल करते हो ना बच्चे, जब चाहो, अगर 5 रुपये बच गया हम बैंक में जमा कर सकते हैं, मेरे पास 50,000 बच गया हम बैंक में जमा कर सकते हैं, 2,000 बच गया बैंक में जमा कर सकते हैं। याद रखना ये काम जो है ना ये सिर्फ बैंक कर सकता है, ये सिर्फ बैंक कर सकता है। एनबीएफसी जो होते हैं बच्चे, बैंक ये सॉरी जो एनबीएफसी होते हैं ये पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, कोई भी डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट आया रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी का, ये क्या होते हैं बच्चे, इनको पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना अलाउड होता है। ये जो है ना ये भी एक तरीके का एनबीएफसी ही है, यानी कि जो काम एनबीएफसी करता है वही काम ये भी करते हैं, बट हाँ इनको पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना भी अलाउड होता है। तो सर फिर बैंक में और इनमें क्या फर्क रह गया? थोड़ा ध्यान दो, शांत हो जाओ, जल्दबाजी नहीं, अभी बैंक में मत जाओ, मैं पहले यहाँ पे आता हूँ। मेरे बच्चे रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी जो होते हैं ना ये पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकते हैं, बैंक भी ले सकते हैं, बैंक भी, फिर दोनों में फर्क है, फर्क। पर बच्चे बैंक जो है ना डिमांड डिपॉजिट्स लेता है, मतलब कभी भी पैसा जमा कर दो कभी भी निकाल दो, लेकिन ये अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं तो या तो ये लमसम में लेंगे एक अमाउंट, पहले से एग्रीमेंट होगा भाई आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या फिर एक फिक्स इंस्टॉलमेंट लेंगे, 2,000 रुपये का, 5,000 रुपये का पर मंथ है या पर ईयर है, मतलब ऐसा इनके साथ होता है। रिपीट करता हूँ क्योंकि आगे अभी बताऊंगा, बात पहले जुड़ा हुआ उससे इसलिए समझा रहा हूँ। एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं लेते पब्लिक से, बात समझ में आ गई सर? हाँ, रेजिडुअरी जो नॉन बैंकिंग होते हैं ये पब्लिक से डिपॉजिट्स ले तो सकते हैं लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं। ये क्या करेंगे जी, अगर पब्लिक से पैसा आपको लेना है तो पहले से डिक्लेयर करो कि हम इतना अमाउंट आपसे लेंगे तभी आप हमारे मेंबर बनोगे, 5 लाख 2 लाख जो भी आपका, या फिर एक इंस्टॉलमेंट तय होगा मेरे बच्चे कि आप इतने इतने पैसे आप हर एक महीने हर एक साल मेरे पास जमा करेंगे, है ना। इसी बात को मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, लिखे जरा यहाँ पे रेजिडुअरी के बारे में, कहते हैं इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनबीएफसी। कहते हैं कि ये भी एनबीएफसी के ही टाइप है लेकिन इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, कहता है यहां पे लिखेंगे अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, देख रहे हो नॉन बैंकिंग मतलब बैंक नहीं, विच इज ए कंपनी, पहली बात विच इज ए कंपनी, ये कंपनी होना चाहिए, वो तो वहां भी था विच इज ए कंपनी, कहता है एंड हैज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस मेन बिजनेस, यानी कि प्रिंसिपल बिजनेस
प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग, देखो आगे वो बात, ऑफ रिसीविंग रिसीविंग डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स ले सकते हैं, ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम, अंडर एनी स्कीम, यहां पे कोई स्कीम हो मतलब डिमांड नहीं कि हाँ भैया कभी भी हम जमा कर दिए, कभी भी आपका जमा कर दिया, ऐसा नहीं, कोई स्कीम पहले से हो, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट पहले से अरेंजमेंट हो कि इतने इतने पैसे ऐसे ऐसे जमा करना है, अरेंजमेंट इन वन लमसम, इन वन लमसम LUMPSUM इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट कहता है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन contributions, by way of contributions or any other manner sorry gala pata nahi kya ho gaya, or any other manner or any other manner, kehta aage bracket mein other than, dhyan se other than demand deposits, demand deposits aap nahi le sakte, demand deposits ka matlab hota hai ki jab bhi chahun on demand, मतलब जब भी मेरे पास पैसा हो बैंक में जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कहता और लेंडिंग, लेंडिंग मतलब कर्ज देना, लेंडिंग इन एनी मैनर इज ऑल्सो या करो इज कॉल्ड अ रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी आप ध्यान समझना, बातें आगे लिंक होती चली जाएंगी मेरे बच्चे। तो मैंने आपको कहा कि कोई पूछे कि NBFC क्या होता है, बोलना भैया NBFC वो होते हैं जो कि किसी को लोन एडवांसेज देते हैं, जो कि आपका मान लो यहाँ पे किसी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, हायर परचेज लीज एग्रीमेंट में पैसे इन्वेस्ट फाइनेंस करते हैं, वो चिट फंड में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें पैसे लगाते हैं, उनको हम NBFC कहते हैं। NBFC किसी तरीके का डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, वो नॉन डिपॉजिट्स कंपनी होते हैं। लेकिन एक दायरा जो NBFC और एक आपका बैंक है उसके बीच में रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी होता है मेरे बच्चे, जिनको डिपॉजिट्स लेना अलाउड तो है इन सारे काम के साथ साथ, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं। आप लमसम में, आप जैसे चिटफंड, अगर आप चिटफंड के बिजनेस को जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि चिटफंड में क्या होता है कि 20-25-50 लोगों का एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या करता है कि पहले से डिसाइड करता है कि 2 साल का 3 साल का 4 साल का हम लोग हर एक महीने इतना इतना पैसा जमा करेंगे। वो पैसा जो जमा करना मेरे बच्चे, वो फिक्स्ड अमाउंट आपका होता है कि इतना पैसा जमा किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी की बात करो, यहाँ पे जो प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाता है, प्रीमियम जो आपसे लिया जाता है, वो एक फिक्स अमाउंट होता है। आप जब चाहोगे तब इंश्योरेंस कंपनी को या चिट फंड में पैसा जमा नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये फैसिलिटी रेजिडुअरी नहीं दे दिया फिर बैंक में उसको कुछ फर्क नहीं रहा मेरे बच्चे। सर ये कॉन्सेप्ट रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग का क्यों डाला गया है मेरे बच्चे, इन पे हमारे कंट्री का जो RBI है उनका कुछ ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि लगभग ये बैंक के रूप में काम करते हैं, तो यहां पे पब्लिक को सेफ करने के लिए यहां पे उनका RBI कंट्रोल होता है। हम आगे अभी देखेंगे, फिलहाल ध्यान देना NBFC का पूछ दे मीनिंग तो आपको ये समझाना है। अगर रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी के बारे में बता दे तो आपको इतनी सारी बातें करनी है। हाँ, एक हमने वर्ड यहां पर लिखा था, आपको एक वर्ड लिखा था कि आपका प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स आपका, ये प्रिंसिपल बिजनेस का यहाँ पे क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब, तो आप एक काम करो, लिखो यहाँ पे नोट, जरा आप नोट लिखेंगे मेरे साथ, नोट लिखेंगे यहाँ पे, लिखा था ऐसे कर दें विच इज ए कंपनी एंड हैज प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ आपका, आइए लिखेंगे आप यहाँ पे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस
मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे बच्चे ये हो एनबीएफसी हो चाहे ये दोनों क्या, इनका मेन काम क्या है आपका, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल कंपनी आपके हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, लिखना फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, एज प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस मीन्स, मीन्स इसका मतलब होता है, लिखना या लिखना प्रिंसिपल बिजनेस इज, इज व्हेन, व्हेन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेट, अ कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब हो गया शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स कहे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं उसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो 50% से ज़्यादा हो, एंड कहता है कि इनकम, एंड इनकम फ्रॉम, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, ऑफ द ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम। ध्यान दीजिए, आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर आपका प्रिंसिपल यानी कि मेन बिजनेस है, तो एक तो जितने भी आपके सेट्स से, उनमें से 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल सेट्स हो, मतलब शेयर्स डिवेंचर में आपका इन्वेस्टमेंट हो, एंड देर इज नॉट और, एंड मेरे बच्चे और इनकम भी जो होगा इन फाइनेंशियल सेट्स से वो आपके टोटल इनकम का एटलीस्ट 50% होना चाहिए। कहता है आगे यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद, अ कंपनी विच फुलफिल्स, आगे लिखेंगे यहाँ पे, यहीं लिख दो आप, अ कंपनी, अ कंपनी विच fulfills both these criteria, both these criteria, criteria will be registered, will be registered, will be registered as NBFC, as NBFC by RBI। आप लिखेंगे प्लीज यहाँ पे बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका। देखो कहा गया है, आप यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं आगे इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे बच्चे आप ध्यान देना, एनबीएफसी आपका जो होगा, हमने कहा कि एक कंपनी है, अगर मैं इसको पहले पढ़ा देता, अगर मैं इसको आपको पढ़ा देता तो पता मैं कैसे आपको समझाता, इसको पढ़ाता तो मैं पहले कैसे समझाता, मैं कहता कि कोई भी कंपनी जिसका फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब मेरे बच्चे शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड में जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, अगर वो उनके टोटल एसेट्स का 50% से ज़्यादा है और जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें भी इन एसेट्स से हुए इनकम का जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा अंडर आरबीआई एक्ट। अब ये इन्हीं बातों से, ये क्योंकि इनका मेन बिजनेस है बच्चे, और एनबीएफसी या रेजिडरी जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, इनका मेन बिजनेस क्या है, यही तो है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी करना आपका, तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस को चला रहा है वो एज एनबीएफसी रजिस्टर आपका होगा। इन दोनों में अगर फर्क पूछा जाए तो जितने भी जो रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी है वो भी आपका बैंक नॉन बैंकिंग कंपनी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इनको यहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना भी अलाउड होता है, कौन सा, अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स आपका, ठीक है ना, और हम डिटेल में आएंगे, पहले काम करते हैं। ये हो गया आपको यहाँ तक, यहाँ तक हो गया सर, हाँ सर यहाँ तक तो हो गया। मेरे बच्चे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आरबीआई के पास जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो रजिस्ट्रेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट आपका है, लिखिए मेरे साथ एग्जाम में जो भी कुछ आ जाए आप उसको बता देंगे। अगला लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है एनबीएफसी क्या होता है, आपसे पूछ सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एनबीएफसी क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि रजिस्ट्रेशन जो है ऑफ एनबीएफसी
एनबीएफसी, इसका हमारे कंट्री में क्या रूल है विथ आरबीआई, आरबीआई के पास आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के क्या हमारे कंडीशन आपका लिखेंगे इसके अंदर में। एज पर सेक्शन 45, सेक्शन 45-IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि नो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन कमेंस देयर बिजनेस without satisfying following conditions। आरबीआई ने कहा है बच्चे कि ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जी, तो वो कौन कौन से हैं लिखेंगे। नंबर ए ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको ऑब्टेन करना होगा कि एज कंपनी हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। और दूसरा बी पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे हैविंग अ नेट ऑन फंड, नेट ऑन फंड, इनका जो अपना फंड होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए ऑफ 2 करोड़ और मोर, यानी कि आपको यहाँ पे 2 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा आपको अपने पास रखना पड़ेगा और मोर, यानी कि अपना फंड, ऑन फंड का मतलब क्या, उनका अपना पैसा जो होगा वो इतना रखना पड़ेगा। तो बच्चे ध्यान रखना सेक्शन 45 आईए के मुताबिक आरबीआई एक्ट का ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एज एनबीएफसी आपका। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे पैराग्राफ, ये हो गया हमारा पॉइंट यहाँ पे जी। अब आज रहा हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में जो हमारा टॉपिक था, डिफरेंसेज बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंसेज है, एक बार दोबारा आ जाते हैं हम, जरा शॉर्ट कर लें क्योंकि हम चाहते हैं कि थ्योरी हमारा साथ साथ में याद हो जाए मेरे बच्चे। हमने कहा कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी को कर रही है एज प्रिंसिपल बिजनेस, मेन बिजनेस कब कहा जाएगा, जब 50% या उससे ज़्यादा उसका जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स का फाइनेंशियल एसेट्स होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसका जो इनकम है वो ग्रॉस इनकम का 50% या ज़्यादा आपके फाइनेंशियल एसेट्स से आना चाहिए, तो उस कंपनी को एज एनबीएफसी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एनबीएफसी का मतलब कि जो लोन्स एडवांसेज देने में, जो शेयर्स डिवेंचर सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने में, जो हायर परचेज लीज एग्रीमेंट में आपका इन्वॉल्व है, जो आपका चिट फंड के बिजनेस इन्वॉल्व है, इन सबको हमने क्या किया जी आपको यहाँ पे डाला है एनबीएफसी में। यही एनबीएफसी का एक थोड़ा सा बड़ा रूप भी होता है रेजिडरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये वही जो एनबीएफसी है उन्हीं का एक टाइप है, थोड़ा सा बड़ा करते हुए जो वो सारे काम जो एनबीएफसी में बताए थे वो करते हैं, लेकिन हाँ ये पब्लिक से डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में जो भी हो, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट्स को आपका नहीं होना चाहिए, उसको हमने कहा था रेजिडरी नॉन बैंकिंग आपका। अब बात उठी कि आखिर जो एनबीएफसी है और बैंक में डिफरेंसेज क्या हैं, तो बच्चे आओ जरा मैं इनके डिफरेंसेज को आपको बताऊँ, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे आपका, आपको बताता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंसेज क्या है। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आप एक तरफ एनबीएफसी को दिखाएंगे एनबीएफसी और एक तरफ हमारा बैंक, यहाँ पे बैंक आप देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। लिखेंगे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया है कि दे जो एनबीएफसी हैं दे कैन नॉट एक्सेप्ट ये नहीं ले सकते क्या जी डिमांड डिपॉजिट्स। मेरे बच्चे डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जब चाहूँ तब मैं पैसा उसमें बैंक में जमा कर दूँ, मतलब मेरे पास पैसा है बैंक में जमा कर दिया, वो बैंक में है वो इनके साथ अलाउड नहीं है, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन इनका क्या जी दे कैन एक्सेप्ट
दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना इनको तो अलाउड है लेकिन आपका एनबीएफसी को नहीं। फिर लिखेंगे नंबर टू, यहाँ पे नंबर टू कहता है कि एनबीएफसी इज नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मतलब मैं पहले लिख दूँ, पहले फिर मैं समझाऊंगा, यहाँ लिख दो आप यहाँ पे नंबर टू कहता है कि बैंक्स जो हैं पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पर बच्चे अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मान लो हमें किसी को पेमेंट करना होता है, हम बोलते हैं कि बैंक से जाके मेरा पैसा ले लो, होता ना बच्चे, तो कहते हैं कि बैंक जो है वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, बैंक के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, बैंक के थ्रू किसी से आप पैसा ले सकते हो, ये बैंक में अलाउड है, लेकिन मेरे बच्चे एनबीएफसी के थ्रू किसी को आप पेमेंट नहीं कर सकते। यानी कि नहीं कि हाँ जी जाओ मेरा वो एनबीएफसी मेरा अकाउंट है आप वहाँ से पेमेंट लेना, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये काम कौन कर सकता है, सिर्फ बैंक कर सकता है। अरे एनबीएफसी को जब डिपॉजिट्स लेना ही अलाउड नहीं है, जब आपका वहाँ पे अकाउंट खुल ही नहीं सकता पैसा लेने का, तो फिर आप उसमें से किसी को पेमेंट कैसे कर सकते हो, वो अलाउड नहीं मेरे बच्चे। यानी कि आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे अलाउड नहीं है। थर्ड लिखेंगे आप यहाँ पे एनबीएफसी कैन नॉट इशू कहता है चेक्स, ये चेक इशू नहीं कर सकते, जो बैंक करते हैं चेक आपको देते हैं वो ये नहीं कर सकते बच्चे, कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इट सेल्फ अपने, मतलब जो बैंक है वो अपने नाम का एनबीएफसी जो है वो चेक इशू नहीं कर सकता, चेक की फैसिलिटी कौन दे सकता, सिर्फ बैंक आपका। तो बैंक्स जो है, लिखिए यहां पे बैंक्स कैन इशू चेक्स ऑन इट सेल्फ, ये अपने नाम का चेक आपको दे सकते हैं लेकिन इनका देना अलाउड आपका नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, चौथा डिफरेंस यहाँ पे दोनों में क्या निकल के आता है, एक तो डिपॉजिट लिखेंगे आप यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC, सर ये क्या होता है बताऊंगा, इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपोजिटर्स, जो एनबीएफसी में पैसे जमा करते हैं उनको मेरे बच्चे DICGC कवर, सर ये DICGC क्या होता है लिख दो यहाँ पे नोट के अंदर में, नोट DICGC का मतलब होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। मतलब बच्चे इनका इनसे DICGC से इंश्योरेंस फैसिलिटी इनको अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ लिखेंगे आपका यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC is available for NBFC depositors। सर ये क्या मतलब है DICGC? मतलब बच्चे आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बता दूं, हमारी कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी कंट्री के अंदर में DICGC एक संस्था है जो इस बात को आपको गारंटी देती है कि अगर आप जिस बैंक में पैसा आपने जमा किया हुआ है और मान लो कल को बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो 1,00,000 रुपये पर डिपॉजिटर पैसा कंपनसेट करने का टू द मैक्सिमम DICGC से गारंटी दिया गया है, ताकि जो छोटे दबके के लोग हो जिनका पैसा बहुत मुश्किल से आता है उनके पैसे बर्बाद ना हो। तो DICGC कवर जो मेरे बच्चे याद रखना वो आपको बैंक में अवेलेबल है, इनमें नहीं है।
सर यहाँ पे कोई पैसा जमा ही क्यों करेगा, क्यों था ना रेसिडुअरी वाला, जो रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मेरे बच्चे वो वहाँ तो पैसे जमा होते हैं इंस्टॉलमेंट में, सही हो लमसम ही ऊपर जमा तो होता है, उन पे DICGC का कवर नहीं है। DICGC कवर कहाँ है जी, जहाँ पे आपका बैंक आपके पास, सॉरी माफ कीजिए, अवेलेबल फॉर बैंक आपका बैंक डिपॉजिटर्स, जो बैंक में डिपॉजिटर्स हैं उनको तो यहाँ पे कवर मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलता। ये बेसिक चार आपके डिफरेंसेज हैं जो आपको पता रखना पड़ेगा, एक NBFC और बैंक के बीच में डिफरेंसेज क्या होते हैं, एग्जाम में आ सकता है मोटा मोटी तौर पे देखा जाए। तो मैंने जो पहले बताया था बात वहीं पे निकल के आ गई, बैंक जो है एक बड़ा है, NBFC उससे छोटा होता है। इनका काम क्या है बच्चे, ये उन जगहों को देखते हैं, उन जगहों पे पैसे के फ्लो को बनाते हैं जहां पे बैंक इस जगह से बैठ के शायद उस सेक्टर को ठीक से ना देख पाए, शायद इसका जो पैसा है यहां से जो पैसे फ्लो हो रहे हैं वो तरीके से सब जगह फ्लो ना हो पाए। तो वो फ्लो को मेंटेन करने के लिए सारे सेगमेंट्स का जो हमारे कंट्री के अंदर है उन सबका प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए, सब जगह पैसे का पूरा फ्लो मेंटेन करने के लिए यहां पर NBFC का हमारे देश में जन्म किया गया है। अब मुझे लगता है कि बातें बहुत हद तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको यहाँ पे मेरे बच्चे, एक चीज़ और बता दूँ, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ पे, हमने NBFC और बैंक के बीच में फ़र्क हटा दिया। एक और भी नाम आता है, एक और भी नाम आता है, वो भी सब NBFC, जितनी बातें मैं आज करूँगा ना जितने नाम लूँगा सब NBFC ही हैं। तो एक और नाम हमारे देश में आपका आता है, लिख दो यहाँ पे पाँचवा एक पॉइंट आपका, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC। एक ये भी नाम निकल के आता है, सर ये कौन से होते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना, ये कहता है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC ही है, लेकिन ये हमारे देश में शायद बाकी NBFC से ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ज़्यादा उनकी पहचान है, ज़्यादा उनका रतबा है, ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। और ऐसा कहा गया है वो सारे NBFC, रिपीट कर रहा हूं, वो सारे NBFC जिनका आपका नेट फंड जो है वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 500 करोड़ से अगर ज्यादा का इनका नेट ऑन फंड है मेरे बच्चे, तो इनको सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट NBFC में डाला जाएगा। सर ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि RBI इन पे बहुत प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करती है। अगर RBI ठीक से कंट्रोल ना करे ना, तो हमारे देश में जो नीरव मोदी आ गए हैं, हमारे देश में जो ललित मोदी आ गए हैं, विजय माल्या जो आ गए हैं बच्चे, ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग बन जाएंगे। वो रोटोमैक का मालिक भी नाम उसका भूल गया, वो भी तो आ गया के चक्कर में, एक दिल्ली का भी और भी एक आपका कोई व्यापारी है ज्वेलरी पकड़ाया है, जो कि कितना 323 करोड़ रुपये का घपला किए, बदमाश लोग होते हैं। तो इन पे RBI, पता नहीं RBI कहते तो है कि कंट्रोल हो रहा है, RBI कंट्रोल कर रही है, इतने सारे रूल्स हमारे देश में बने, फिर भी पैसे चुरा के भाग जाते हैं, हमसे तो नहीं होता। मुझे भी मन करता है कि मैं भी 800-900 हज़ार करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाऊं, जाके कहीं पे मस्ती करूं, ललित मोती विजय माला जैसे आलिशान तरीके से जीऊं, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मुझे कोई बैंक कर्ज देता नहीं इतना, पता नहीं क्यों बात ऐसी। खैर चलो उस बातों को हम बाद में करेंगे। हमने कहा कि जिसपे RBI कहता है भैया हम तो ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, पता नहीं कैसा कंट्रोल, लेकिन गुस्सा कम करो, पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। कहा गया कि वो NBFC हुज लिखना एसेट साइज, जिनका एसेट्स जो होता है एसेट साइज इज 500 करोड़ और मोर, जिनका एसेट्स जो साइज है 500 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट आपका है, एज पर कहता है कि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो पिछला जो बैलेंस शीट ऑडिट किया गया था उसके मुताबिक अगर आपका कहता है कि ये आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो कहते हैं कि आर कंसिडर्ड एज सिस्टमेटिकली कहता है इम्पोर्टेंट NBFC, इनको हमने सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC कह दिया गया, मतलब इन पे RBI का ज़्यादा कंट्रोल होगा,
ज़्यादा कंट्रोल होगा, पर आप क्या करोगे ज़्यादा कंट्रोल करके, क्या फ़ायदा? अननेसेसरी का पढ़ाया जा रहा है ये सब चीज़ें, आरबीआई इन पे, तो इन पे पता नहीं, ज़रा सोचो मैं आपको बताऊं अभी, आप मेरी बात अगर समझोगे तो। ये जो घोटाले पता चले ना बच्चे, विजय माला के, ललित मोदी के, यहाँ पे नीरव मोदी के, वो आपका रोटोमैक वाला, ये बैंक से पता चला है, कोई इस बात पर गौर नहीं कर रहा। ये बैंक जिसमें कि आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, वहां से चोरी हो गई है, तो फिर एनबीएफसी से पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा हमारे देश में, आपको कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं। चलो छोड़ो ना, कौन इतना टेंशन लेगा, इनको सिस्टमेटिकली कह दिया गया, मतलब वो सारे एनबीएफसी जो पीछे हम देख के आ रहे हैं, वो सारे एनबीएफसी जिनका आपका नेट एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स जो है, वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, तो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट उनको एनबीएफसी में डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं जो हमने आपको बताई, हटाते हैं इसको आपका, ये तो हमारा ख़त्म हो गया। जरा देखो टॉपिक्स टू बी कवर जो मैंने लिखाया था मेरे बच्चे, उसमें दो टॉपिक तो हमने एंड कर लिया, मीनिंग या डेफिनेशन, और फिर आपका डिफरेंसेस बिटवीन आपका एनबीएफसी एंड बैंक। हम तीसरे टॉपिक में आते हैं, आप चेक करो, थर्ड टॉपिक में हमने लिखाया था टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, आया था ना बच्चे? सर हाँ सर हाँ। तो आज जरा सिक्स में, छठे पॉइंट में हम रेडी करते हैं आपका, यहाँ पे बताना टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी कितने होते हैं हमारे, ये सारे टाइप्स जो हैं वो किसने बताया है, तो एज पर आरबीआई, अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ आरबीआई के मुताबिक एनबीएफसी कितने, तो इन बातों को बताना है। और याद रखना, आप प्लीज़ बोर मत होना, अगर आपको नींद आ रही मेरे बच्चे, तो आप जाओ ना अपने मम्मी पापा से एक सुई लो और आंख में मार लो, आंख फूट जाए लेकिन नींद मत आने देना। मैं जानता हूं कि हम थ्योरी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश की सच्चाई है। अगर हमें देश का इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है अगर ये नहीं पता होगा, तो फिर हम आगे कैसे काम करेंगे, कैसे बड़ी बड़ी डिग्री को लेकर आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आंख को मत सोने दो मेरे बच्चे, आज तो आंख फूट जाए, आंख में से खून गिर जाए, लेकिन आप सोना नहीं, आप सोना नहीं, बस मेरी बात सुनते चलना। आओ जरा मैं आपको टाइप्स ऑफ एनबीएफसी बताऊँ। हाँ, ये एज पर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे इसके अंदर में। नंबर वन, पहला आपका लिखेंगे एसेट फाइनेंस कंपनी, यानी कि ये वो कंपनी है, ये वो एनबीएफसी है जो एसेट फाइनेंस कंपनी है मेरे बच्चे। शॉर्ट में हम इसको एएफसी भी कहते हैं। फिर एएफसी नाम हमें याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ मेरे बच्चे, नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि शॉर्ट में भी एग्जाम में आ सकता है कि राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन एएफसी, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, लिखिए थोड़ा सा, फिर इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लिखेंगे एनी कंपनी, और देख रहो यहाँ पे नाम क्या है, एसेट्स फाइनेंस, जो एसेट्स को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, उस एनबीएफसी की बात कर रहे हैं। तो एनी कंपनी लिखिए यहाँ पे, एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैरिंग ऑन कहते हैं प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब कि मेन बिजनेस क्या जी, ऑफ फाइनेंसिंग, जिसका काम फाइनेंसिंग करना है किस चीज़ को जी, तो कहता है ऑफ फिजिकल एसेट्स। मेरे बच्चे फिजिकल एसेट्स को जो फाइनेंस करते हैं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपका, कहता है कि आगे ब्रैकेट में सच एज, मतलब फॉर एग्जांपल सच एज ऑटोमोबाइल्स, कहता है कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स को यहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, गाँव में जो ट्रैक्टर्स आपको चाहिए इनसे उसका कर्ज ले सकते हो, लाथे LATHE लाथे मशीन को जो आपका फाइनेंस कराते हैं आपका यहाँ पे, जनरेटर सेट्स आपके हो गए, फिर कहता है आपका अर्थ मूविंग ये सारे मशीन के नाम होते हैं, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल
एंड मटेरियल हैंडलिंग हैंडलिंग इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहता है आपका यहाँ पे इक्विपमेंट एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स है ना एक्सेट्रा। तो जो इनके मतलब जो फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करते हैं मेरे बच्चे, जिनका काम आपका आपको जनरेटर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, आपको खेती के और भी कई सारे मशीन्स होते हैं वो चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीन्स होते हैं, कहीं भी जो बड़े बड़े मशीन को जो आपके रिक्वायरमेंट होता है उसको फाइनेंस करने के लिए आपको जो यहाँ पे पैसा देगा वो एसेट फाइनेंस कंपनी के अंदर में कवर होगा यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पे आपका कि ये जो प्रिंसिपल बिजनेस है, ये प्रिंसिपल बिजनेस इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पे हेयर प्रिंसिपल बिजनेस ध्यान रखना इस डेफिनेशन के लिए। प्रिंसिपल बिजनेस कहता है फॉर दिस पर्पस कहता है इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ फाइनेंसिंग रियल ऑब्लिक फिजिकल एसेट्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें आप इन्वॉल्व हो, जो आपको पैसा जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम इज नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली। लिखेंगे फिर मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे एसेट्स फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है जो रियल एसेट्स को फाइनेंस करती हैं। अगर किसी को कोई एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एसेट्स की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर चाहिए आपको, लैथे मशीन चाहिए आपको, मूविंग मशीन चाहिए आपको, जनरेटर सेट चाहिए किसी काम को करने के लिए आपको, इंडस्ट्रियल मशीन चाहिए, तो उनको फाइनेंस करने के लिए जिन्होंने पैसे जो देते हैं मेरे बच्चे वो क्या बोलते हैं, एसेट फाइनेंस कंपनी। अब यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी विच इज फाइनेंशियल कैरिंग ऑन प्रिंसिपल बिजनेस, जिसका ये मेन काम है। अब प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब क्या है जी, कि ये जो आपका जो फिजिकल एसेट्स की जो फाइनेंसिंग आपका है, यानी कि जो आपने कर्ज दिया है, कर्ज दिया मतलब आपका वो एसेट्स, वो कहता है कि आपका एसेट्स और उससे जो इनकम आपको हो रहा है वो आपके एसेट्स का 60% और आपके इनकम का भी 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एसेट फाइनेंसिंग कंपनी कब कहा जाएगा, इनका टोटल एसेट्स जो है उस टोटल एसेट्स में 60% या उससे ज़्यादा वो एसेट्स है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कर्ज है, वो लोन्स एडवांसेज है जो उन्होंने किसी को दिया हुआ है ये मशीन यानी कि फिजिकल एसेट्स के लिए, और उनसे जो उनका इनकम होता है, जो इनका इनकम होता है उस लोन्स एडवांसेज का जो इनकम आ रहा है वो उसका एटलीस्ट 60% होना चाहिए। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आपको कौन सा डेफिनेशन में डाला गया,
एसेट फंड्स कंपनी के अंदर में। ये हम टाइप्स ऑफ एनबीएफसी देख रहे हैं जिसमें कि पहला निकल के आ रहा है। आओ जरा सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे। सेकंड जी ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी मेरे बच्चे, इसको हमने क्या बोला, सेकंड आपका है इन्वेस्टमेंट कंपनी। लिखी इसके बारे में डैश देके, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स कहता है कि अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहता है कैरिंग ऑन its principal business of acquisition मतलब खरीदना of securities। मेरे बच्चे securities का मतलब हो गया shares, bonds, debentures। ये वो कंपनी है जिनका काम ही क्या है जी, आपका इन्वेस्टमेंट करना है। किस चीज़ में, याद रखना, इनमें नहीं, मशीन में नहीं, बिल्डिंग में नहीं, सिक्योरिटीज के अंदर में। अगर आप सिक्योरिटीज में यानी कि शेयर्स डिवेंचर्स में पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से जानेंगे। थर्ड लिखेंगे आप यहाँ पे, थर्ड टाइप यहाँ पे लोन कंपनी को मेरे बच्चे शॉर्ट में यहाँ पे LC कहा जाता है। इसका कोई शॉर्ट नाम नहीं है जिसका मैं लिखा रहा हूँ, आपका लोन कंपनी यानी कि LC लिखेंगे। इट मीन्स अ कंपनी कहता है हुज प्रिंसिपल बिजनेस जिसका प्रिंसिपल बिजनेस यानी कि मेन काम जो आपका है इज टू प्रोवाइड फाइनेंस, जिसका काम फाइनेंस यानी कि पैसा देना है जी, whether by making loans and advances। ये काम या तो किसी और कंपनी से लोन लेके किसी और आगे को लोन देते हो आप जी, आपको काम ही लोन देना है, और अदरवाइज कहीं से भी आप पैसा लेते हो, कहाँ से लेते हो, या तो आपका अपना पैसा रहा होगा या किसी से लोन एडवांस से लिया होगा, वो पैसे रेज करके आगे अगर आप किसी को फाइनेंस यानी कि लोन देते हो आपका, किसके लिए जी, फॉर एनी एक्टिविटी कहता है अदर देन इट्स ओन but does not include कहता है NAFC। ध्यान से मेरे बच्चे, लोन कंपनी का यहाँ पे डेफिनेशन डाला गया कि ये वो NBFC है जो या तो खुद पैसा रेज करते हैं जो इनके मालिक होते हैं या किसी से लोन लेते हैं और फिर वो पैसा किसी और आगे किसी को लोन के रूप में दे देते हैं। लेना या घर से लाना और किसी को लोन के रूप में देना इंटरेस्ट कमाने के लिए। इनका प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल मतलब क्या जी, 60% टोटल एसेट्स का या इनकम का, जो मैंने ऊपर बताया था वही बातें चल रही है, इनका प्रिंसिपल बिजनेस ये आपका होना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने कह दिया कि ध्यान रखना AFC को छोड़ के, मतलब ये ना हो अगर वो कंपनी आपका ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर को, लैथे मशीन, जनरेटर को, अर्थ मूविंग, आपका मटेरियल, इंडस्ट्रियल, इस पर्पस के लोन दे रही है, तब तो वो AFC में चला गया। वो साफ साफ कह रहा है कि भैया ये वो लोग हैं जो AFC को छोड़ के यानी कि इनको छोड़ के बाकी और कहीं पर लोन देते हैं। और हाँ, एक चीज और कहा गया आपका कि अदर देन इट्स ओन एक्टिविटी, ये नहीं कि आप ही कोई काम कर रहे हो, मैं ही क्या कर रहा हूँ जी, मान लो मैं यहाँ पे आपका एक स्टूडियो चला रहा हूँ, अब इस स्टूडियो को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं ही कहता हूँ कि भैया अपना पैसा ही मैंने इसको स्टूडियो को दे दिया, वो नहीं होगा। आप अपने किसी काम के लिए लोन एडवांसेज नहीं दे सकते, किसी और को देना है आपने। तो लोन कंपनी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, लोन कंपनी का मतलब हो गया जिसका
मेन काम फाइनेंस को आपको देना है, चाहे वो लोन एडवांसेस रेज करके, चाहे अदरवाइज यानी कि अपना पैसा जी, लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो उसका अपना नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ एएफसी भी इंक्लूड ना हो, यानी कि इनको छोड़ के आपका, उसको हम लोन कंपनी के डेफिनेशन में डालेंगे, ठीक है ना। आइए जरा फोर्थ लिखेंगे, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, चौथा यहाँ पे जी कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नाम ही है जी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी कि इनका काम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। इसको शॉर्ट में हम आईएफसी कहते हैं, आईएफसी लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे आपका आईएफसी, आईएफसी इज अ नॉन डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट, ध्यान देना हमने नॉन डिपॉजिट वर्ड ना तो इसमें यूज किया, ना यहाँ यूज किया, ना यहाँ यूज किया, मतलब ये नॉन डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, डिपॉजिट्स वाले भी हो सकते हैं। कौन सा डिपॉजिट? वो रेजिडुअल वाला, मतलब कि जो आपका अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स, तो इनके साथ तो चला। अब यहाँ देखो हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स कंपनी आईएफसी इज ए नॉन डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इनको इनको आपका डिपॉजिट्स किसी भी तरीके का लेना अलाउड नहीं है। तो ये फिर पैसे कहाँ से लेकर आएंगे जी? या तो इनका अपना पैसा होता है या फिर लोन लेंगे कहीं से, लेकिन ये आपका पब्लिक से नहीं ले सकते। विच फुलफिल्स, लिखेंगे विच फुलफिल्स, विच फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस, कौन कौन से कंडीशंस आपके हैं? तो लिखेंगे आप यहाँ पे नंबर ए, पहला पॉइंट यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि विच डिप्लॉय, विच डिप्लॉय, विच डिप्लॉयज कर दो आप एटलीस्ट, एटलीस्ट 75%, 75% ऑफ टोटल एसेट्स, इनके जो टोटल एसेट्स हैं उनका एटलीस्ट 75% इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के अंदर में ये पैसा आपका लगाए हों। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया रोड, डैम्स, ब्रिज जो हमारे देश में बनते हैं उनमें इन्होंने पैसा लगाया हो। नंबर बी लिखेंगे आप यहाँ पे, हैज ए मिनिमम, हैज अ मिनिमम, हैज अ मिनिमम नेट ऑन फंड, नेट ओन्ड फंड, हैज ए मिनिमम नेट ओन्ड फंड ऑफ 300 करोड़, ध्यान से 300 करोड़ एटलीस्ट आपका कम से कम आपका अपना फंड होना चाहिए। सी पॉइंट में आप आएंगे, सी पॉइंट में कहते हैं कि हैज ए मिनिमम, हैज ए मिनिमम, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, हैज ए मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए, ऑफ ए इन्वर्टेड कॉमा में, और इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कहता है फ्रॉम, फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो हमारे देश में क्रेडिट को रेट करती हैं कि आप कितने अच्छे कंपनी हो, कितना आप पूरे हो, ए, ए प्लस, बी, ये सब जो रेट करते हैं बच्चे, तो कहता है कि आपके पास क्रेडिट रेटिंग मिनिमम ए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सा? कहता है कि एक्री क्रेडिट, जिसको कि अप्रूव किया है एक्री क्रेडिट बाय आरबीआई, आरबीआई ने जिनको अप्रूव किया है, ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिसिल हो गया, सी आर आई एस आई एल, क्रिसिल कैपिटल वर्ड है, फिश हो गया एफ आई टी सी एच, इनको इनका काम ही होता बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी को रेट करना, देश को रेट करना कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब है आपका। आई सी आर ए हो गया, आई सी आर ए एक्सेट्रा, तो ये कंपनीज ने आपको ए या उसके इक्विवेलेंट जो उनके मानक होते होंगे उसका आपको यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ है। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे ए बी सी हुआ। नाउ डी पॉइंट,
ये वो कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के अंदर में एनबीएफसी माना जाना चाहते हो तो। डी लिखेंगे आप यहाँ पे, हैज अ कैपिटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम यहाँ पे बोलते हैं CRAR। ये कैसे निकलता है मेरे बच्चे, वो लास्ट टॉपिक है जो मैंने टॉपिक्स टू भी कवर्ड में लिखाया था। लेकिन मान लो कुछ ऐसा होता है जो मेजरमेंट होता है, वो कहते हैं कि ऑफ 15%, इनका CRAR जो होना चाहिए 15% होना चाहिए विथ अ मिनिमम टीयर वन सॉरी क्या होता है आगे की बात अभी नहीं समझा सकता, कैपिटल ऑफ 10%। मेरे बच्चे ये चीज़ें मैं आगे क्लियरिफाई करूँगा क्योंकि अभी इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे। लेकिन ध्यान रखना चार बातें यहाँ पे होनी चाहिए। एक तो आपके जितने भी एसेट्स हैं उसमें से 75% आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के रूप में अपने पैसे लगा के रखे, यानी कि उतना एसेट्स आपके पास होना चाहिए। बी में कहता है कि आपका जो नेट ऑन फंड, अपना जो फंड होना चाहिए वो 300 करोड़ का। सर नेट ऑन फंड कैसे निकलता है ये भी आगे चर्चा का विषय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 300 करोड़ आपका होना चाहिए। फिलहाल ये समझना उनका अपना पैसा। तीसरा कहता है कि उनका जो कोई जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होता है, ICRA हो गया, कृषि आपका हो गया, फिच हो गया, उनसे कहता है कि ए या उसके इक्विवेलेंट जो भी वो आपका रेटिंग देते होंगे उतना आपके पास होना चाहिए। एंड फिर आपका फोर्थ पॉइंट मेरे बच्चे, CRAR आपका 15% और कैपिटल टीयर वन आपका 10% होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के डेफिनेशन में डाला जाएगा और वो NBFC यहाँ पर कवर की जाएगी। बात समझ आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि RBI ने NBFCs को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो चार तरीके का हमने NBFC अभी तक देखा आपका। एक आपका था जी एसेट्स फाइनेंस कंपनी, फिर आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, लोन कंपनी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो गया। अब आइए जरा पांचवा पॉइंट लिखेंगे, पांचवा आपका यहाँ पे फिफ्थ। ये सारी बातें याद करनी पड़ेंगी और साथ साथ याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता कि सिस्टमेटिकली, वो हमने ये वर्ड पहले देखा था आपको याद होगा, इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मेरे बच्चे इसको शॉर्ट में कहते हैं CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्चुअली नाम दिया गया है RBI द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। फिर आपका है डैश ND फॉर नॉन डिपॉजिट्स, ये भी डिपॉजिट्स नहीं ले सकते नॉन डिपॉजिट्स, डैश SI। SI का मतलब क्या हो गया जी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट। सर इसको पहले इसको बाद में क्यों, ये नाम है जो RBI ने दिया, ये नाम याद रखना पड़ेगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन डिपॉजिट्स और SI यानी कि सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे डैश देके, इज एन NBFC, ये भी एक ऐसा NBFC है, कहते हैं कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसलिए मैं सारी बातें आपको लिखा दे रहा हूँ, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, जो इन कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जी, ध्यान रखना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले IFC में चार बातें थी, 75% आपका इंफ्रा में होना चाहिए, 300 करोड़ का आपका नेट ऑन फंड आपका होना चाहिए, रेटिंग आपको यहाँ पे ए का होना चाहिए और आपका CRAR 15% विथ आपका कैपिटल टीयर वन आपका 10% होना चाहिए। ये CRAR क्या होता है, टीयर वन क्या होता है, हम आगे समझेंगे उस बात को।
लिखिए यहां पे इसके लिए क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, नंबर ए, नंबर ए कहता है इट होल्ड्स, इट होल्ड्स नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनका जो टोटल एसेट्स है उसका एटलीस्ट 90% इन्वेस्टमेंट के रूप में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ जी, तो कहता है इन इक्विटी शेयर्स, या तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आपने पैसे लगाए हों, कॉमा प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि सिक्योरिटीज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में आपने पैसे लगाए हों, या फिर आपका यहाँ पे डेप्ट, किसी को कर्ज आपने दिया हो डेप्ट, और लोन, लोन इन ग्रुप कंपनीज, जिन कंपनी का ग्रुप आपने बनाया है जिनको आप लोन फाइनेंस करते हो उनमें एटलीस्ट आपका 90% पैसा लोन ग्रुप में ही होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कहता है बी में, आपको यहाँ पे बी में लिखेंगे आपका इट्स इन्वेस्टमेंट, इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स, इन द इक्विटी शेयर्स, इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपल्सरी, कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स, इंटू इक्विटी शेयर्स विद इन 10 years, विद इन 10 years फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, एक काम कीजिए आप यहाँ पे इन द इक्विटी शेयर्स आगे ब्रैकेट इसको डालो यहाँ से, मतलब इक्विटी शेयर्स में पैसा इसने इन्वेस्ट किया हो या फिर उन इंस्ट्रूमेंट में यानी कि उन सिक्योरिटीज में जो कि 10 साल के अंदर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल आपको फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू आपका, किसका जी, किसके ऐसे सिक्योरिटी में ऑफ ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनीज का मतलब कि वो कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आपका, देख रहे हो यहां पे क्या बताया गया आपका, ध्यान देना, एक तो इसका 90% जो आपका टोटल एसेट्स का है वो इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में आपका डेप्ट में या लोन में लगा हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरा कंडीशन कहता है, दूसरा कंडीशन कि 90% में भी जो 60% है, 60% वो इक्विटी शेयर्स या फिर जो कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर से उसमें पैसा आपका लगा हो। तो ये दो बात है, एक तो 90% इन सब में और 90% में भी 60% इनके अंदर में पैसा लगा हो, तो हम इसको आपका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के डेफिनेशन में डालेंगे। और बच्चे सी, तीसरा पॉइंट, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं, इनका काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, लेकिन कौन सा, याद रखना डिमांड नहीं, या तो इंस्टॉलमेंट में या लमसम में, आपका यहाँ पे डी पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे कि इट्स एसेट साइज, इनका जो एसेट साइज है, इट्स एसेट साइज कहता है इज 100 करोड़, इज 100 करोड़ और मोर, यानी कि आपका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपका एसेट्स है यहाँ पे। मेरे बच्चे अगर ये चार बातें सेटिस्फाई करोगे तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के डेफिनेशन में आपको डाला जाएगा। ये आरबीआई ने कई तरीके के एनबीएफसी को डिफाइन किया है, ए बी सी डी ई एफ आपका,
और हर एक पे उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए बच्चे कि इन पे हमें ऐसे कंट्रोल करना है, इन पे ऐसे कंट्रोल करना है, इस पे ये काम करना, वो काम करना है। तो उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन किस किस कंपनी के लिए क्या क्या रखे, वही हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। चार बातें यहाँ पे निकल के आया कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे आपका कैसे बोला जाएगा आपका जी। एक तो आपका यहाँ बोला गया आपका, ध्यान देना कि इनको ये तब होगा जब इनका 90% ऑफ टोटल एसेट्स अपने आपने सिक्योरिटीज में पैसे लगाए, इक्विटी में, प्रेफरेंस में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, लोन के रूप में आपने किसी को दिया है, लेकिन साथ ही साथ उस 90% के में से जो सेकेंड पॉइंट है कि 60% वो आपने इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स में पैसा अपने लगाए हैं। कौन सा कन्वर्टेबल? जो विद इन 10 ईयर्स आपका है फ्रॉम डेट ऑफ इशू। फिर ये कहता है ये दो पॉइंट के बाद तीसरे पॉइंट में इनका डिपॉजिट्स लेना काम आपका है, ये डिपॉजिट्स लेते हैं मेरे बच्चे, और ये इनका एसेट साइड आपका 100 करोड़ या उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए, उनको यहाँ पे डाला गया, ठीक है ना। तो ये फोर्थ हमारे हो गए, फोर्थ आपका। इसको मिटा दूँ मैं सर? हाँ सर, इसको याद करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मेरे बच्चे, करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों से अपने आप को अलग करोगे। और कुछ बड़ी बात नहीं है, आप देखो तो मैं सारी बातें आपको यहाँ पर लिखाया जा रहा हूँ, 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर सीखने हैं। आओ जरा इसके बाद हम 6 पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा 5th था, 6th क्लासिफिकेशन लिखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, 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 डेप्ट फंड, डेप्ट फंड, एनबीएफसी, एनबीएफसी, डेप्ट फंड, एनबीएफसी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं आपका आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड डैश एनबीएफसी, एनबीएफसी, ठीक है ना। लिखना यहां पे आपका आर दोज नॉन डिपॉजिट्स टेकिंग एनबीएफसी विच फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशंस। सर कितने याद रखेंगे? सर सब करना पड़ेगा, तभी तो आप बड़े बच्चे हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आपका, ये कंडीशंस कुछ बताए गए हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड एनबीएफसी के अंदर में डालेंगे। क्या जी? नंबर ए कहता है अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स 75% टोटल एसेट्स डिप्लॉयड यानी कि यूज हो रहा है, डिप्लॉयड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन के रूप में अपने एसेट्स का 75% यूज कर रहे हैं। बी पॉइंट लिखेंगे आपका नेट अर्न्ड फंड जो है वो ऑफ 300 करोड़ और मोर हो, 300 करोड़ या उससे ज़्यादा आपका। सी यहाँ कहता है कि आपका मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट होना चाहिए। किससे जी? वही आपका फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अप्रूव्ड बाय कौन जी? आरबीआई। नाम मैंने पिछली बार बता दिया है, दोबारा क्या बताऊं, ठीक है ना। और यहां भी लिखेंगे आपका डी पॉइंट यहां पे कि सीआरएआर ऑफ 15% विथ मिनिमम टियर वन कैपिटल ऑफ 10%। सारी बातें आपने पढ़ाया तो था। हाँ बच्चे, हमने एक और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी देखा था, आप जरा चेक करो यहाँ पे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हमने एक और देखा था, वो आपका फोर्थ पॉइंट में आईएफसी। पढ़ो जरा वहाँ पे क्या था, पढ़ो जरा वहाँ पे क्या था और जरा चेक करते हैं इसमें और उसमें क्या डिफरेंसेज निकल के आ रहा है आपको वहाँ पे। बच्चे वहाँ कहता था कि विच डिप्लॉयज
75% ऑफ टोटल एसेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन. यहां पर भी आपको वही बात कह रहा, आपका मिनिमम नेट ऑन फंड आपका 300 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए. वहां भी वही बात कह रहा था आपका. हैज ए मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए, यहां भी सेम आपका है. और कैपिटल रिस्क एसेट्स आपका यहां पे भी सेम आपका है. फिर इसमें फर्क क्या है, फिर इसमें फर्क क्या बचे? मुझे तो आप देखो जो फोर्थ पॉइंट में लिखा था मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और जो अभी सिक्स पॉइंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आपका एनबीएफसी, इस दोनों में फर्क नजर अभी आया नहीं. चार पॉइंट वहां भी, चार पॉइंट यहां, बिल्कुल सेम निकल के आ रहे. हाँ बच्चे बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी के अंदर में दो पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे. ध्यान रखना अभी तक चारों पॉइंट्स दोनों में बिल्कुल सेम है. अब पांचवा और छठा पॉइंट क्या क्या ऐड होगा वो लिखेंगे आप यहाँ पे नंबर ई. नंबर ई रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने डेट कंपनी देखा था फंड्स कंपनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, दोनों में चारों पॉइंट सेम है. पांचवा लिखेंगे जो उससे अलग होगा. कहता है कि दे आर रजिस्टर्ड, दे आर रजिस्टर्ड एनबीएफसी टू फैसिलिटेट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनका आपका रजिस्ट्रेशन ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म डेट्स देने के लिए आपका हुआ है मेरे बच्चे. और एफ लिखेंगे अगला पॉइंट आपका यहाँ पे. एफ में कहता है कि दे रेज रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज यानी कि पैसा रेज करते हैं थ्रू कहता है इश्यू ऑफ रुपी और डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स मैच्योरिटी. मेरे बच्चे ये दो पॉइंट्स जो हैं अगर इसमें हम ऐड कर दें तो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट, देखो यहाँ पे डेप्ट फंड लिखा हुआ, डेप्ट यानी कि इनका काम लॉन्ग टर्म डेप्ट देना ज़्यादा होगा. वो बस पैसा फाइनेंस कर दे किसी भी चीज़ के अंदर में, लेकिन इनका काम डेप्ट. और ये पैसा कहाँ से रेज करेंगे ये भी बताया गया है. उन बॉन्ड्स को ये इशू करेंगे सिर्फ जो रुपी या डॉलर में डिनोमिनेटेड होगा और मिनिमम 5 साल मैच्योरिटी के साथ. तो इनको यहाँ पे सर ये नाम अलग अलग क्यों किए गए हैं, मैंने कहा ना बच्चे इन पे तरह तरह के कंट्रोल होते हैं, वो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. हमें नाम से भी याद रखना आपका यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा, प्लीज कॉपी करें यहाँ पे. ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड आपका एनबीएफसी हो गया, ठीक है ना. छठा पॉइंट सर ये तो बहुत लेंदी हो रहा है ना बच्चे ना, आपको थोड़ा सा देखो ना, एक दो ही तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन था वो भी मैंने खत्म कर दिया, कहाँ कुछ लंबा हो रहा है. अब आगे वाले जो है ना सेवेंथ वाला, वो तो नाम से ही पता चल जाएगा कि हम उसमें क्या लिखना है. लिखो यहाँ पे एनबीएफसी डैश माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे पर्पज के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, आपका इसको शॉर्ट में कहते हैं हम एनबीएफसी डैश माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपका MFI. देखो ये नाम ही कहता है कि ये वो है जो कि माइक्रो मतलब छोटे छोटे पर्पस के लोन देते हैं आपका, छोटे छोटे आपका. देखो इनके बारे में क्या बोला गया, लिखे मेरे साथ यहाँ पे, कहते हैं कि एनबीएफसी डैश MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज अ नॉन डिपॉजिट, ये भी डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी हैविंग नॉट
less than having not less than 85% of its net assets in the nature of qualifying assets which satisfy following criteria. मतलब इनका जो total assets है net assets उसका 85% इन जगहों पे पैसा लगा होना चाहिए. कहाँ पे जी? नंबर ए लिखेंगे आप. लोन डिसबर्स्ड बाय NBFC, MFI, to a borrower जिसने कर्ज लिया है, to a borrower, with a rural गांव household annual income not exceeding rupees 1 lakh or urban. ये सब याद रखना होगा बच्चे, ध्यान रखना, आगे एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स देके जाएगा. अर्बन एंड सेमी अर्बन हाउसहोल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹1,60,000 पर एनम. मतलब इन्होंने जो लोन दिया है, अगर गांवों में दिया है, रूरल एरिया मेरे बच्चे, तो उन लोगों को लोन दिया है जिसका एनुअल इनकम आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं है. पूरे आपका यहाँ पे रूरल हाउसहोल्ड एनुअल इनकम, मतलब उनका जो घर का इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा ना हो. और अगर वो अर्बन यानी कि शहरी या सेमी अर्बन हाउसहोल्ड जगहों पे दिया है तो उनका हाउसहोल्ड इनकम 160 से ज़्यादा ना हो. ऐसे लोगों को ही इन्होंने लोन दिया है. अब कितना, नंबर बी लिखना, लोन अमाउंट. ये तो वो हो गया जिनको लोन दिया गया है जो इस क्राइटेरिया के अंदर कवर होंगे. अब कितना लोन, तो कहता है कि लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन द फर्स्ट साइकिल का मतलब पहली बार जो आपने लोन दिया वो 50,000 से ज़्यादा ना हो. एंड रुपीज़ वन लैख कहता है इन सब्सिक्वेंट साइकिल का मतलब हो गया पहली बार जो लोन आपका हो 50,000 और फिर वो सब्सिक्वेंट यानी कि आगे जाके टू द मैक्सिमम कितना लोन हो जाए 1 लैख, इससे ज़्यादा ना आपका हो, ठीक है ना. फिर कहता है पॉइंट नंबर सी में यहाँ पे टोटल इंडेप्टनेस, मतलब उस आदमी का जिसको आपने लोन दिया है उसका टोटल जो कर्ज हो, कहता है टोटल इंडेप्टनेस ऑफ द बोरवर, जो आपका बोरवर है उसका टोटल जो कर्ज है डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख. किसी भी हालात में उसका कर्ज 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करे आपका. डी पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे टेन्योर, मतलब पीरियड ऑफ द लोन, जो लोन आपने दिया है टेन्योर उसका नॉट टू बी
not to be less than, not to be less than 24 months, 24 महीने से कम के लिए आप लोगों ने लोन नहीं दिया है, 24 मंथ्स फॉर लोन अमाउंट, फॉर लोन अमाउंट, फॉर लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 15,000, लिख दो समझाऊंगा, विथ प्री पेमेंट, विथ प्रोविजन ऑफ, विथ प्रोविजन ऑफ प्री पेमेंट विदाउट पेनल्टी। सर मतलब अभी बताऊंगा, अभी तो पहले यहां पे नंबर ई लोन टू बी एक्सटेंडेड, आपने जो लोन दिया है एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के, विदाउट कोलेट्रल आपका, ठीक है ना मेरे बच्चे। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपका है, एनबीएफसी एमएफआई। अब ध्यान दो यहां पे क्या क्या बातें बोली गई। एक तो लोन जिस हाउस होल्ड को आपने दिया है, जिस इंडिविजुअल को दिया, उसका हाउस होल्ड इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा ना हो, अगर वो गांव में बसता है तो। अगर वो सेमी अर्बन या अर्बन एरिया में है तो वो इंडिविजुअल जिसको लोन दिया आपने, उसका एनुअल इनकम 1,60,000 से ज्यादा करना हो, पहला बात। सेकेंड पॉइंट कहता है कि लोन जो पहली बार दिया 50,000 और वो सब्सिक्वेंटली बाद में अगर आप लोन उसको एक्सटेंड करते हो, अगर ठीक से पेमेंट करता है तो वो टू द मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक जाए। सेकेंड पॉइंट आपका यहां पे, ठीक है, यहां पे 50, फिर आपका 1,00,000 तक। उसका जो टोटल इंडेबटनेस, उस इंडिविजुअल का जो टोटल कर्ज किसी भी टाइम पे 1,00,000 को एक्सीड ना करे, कहीं से भी जो कर्ज उसने लिया है वो 1,00,000 से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए। और ध्यान देना, टेन्योर जो आपका होगा वो 24 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, अगर लोन 15,000 रुपए 15,000 से ज्यादा का है तो। अगर 15,000 से कम का लोन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन्योर 2 महीने 3 महीने का भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर उसने 15,000 से ज्यादा, क्योंकि लोन 50 या 1,00,000 तक हो सकता है टू द मैक्सिमम, तो 15,000 से अगर ज्यादा का उसने लोन लिया है तो उसका टेन्योर 24 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, ऑफ विथ प्रोविजन ऑफ प्री पेमेंट विदाउट पेनल्टी। अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको पहले भी पेमेंट कर सकता है, लेकिन कोई आप पेनल्टी उससे चार्ज नहीं करेंगे। प्री पेमेंट मतलब पहले पे करने का पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। एंड लोन जो आप देंगे विदाउट किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, मतलब कोई सिक्योरिटी आप उससे डिमांड नहीं करेंगे। अगर ऐसी बातें आप सेटिस्फाई करोगे तो MFI NBFC के नाम से आपको क्लासीफाई किया गया है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर हाँ। कितने पॉइंट्स हो गए? 7th आपका। सर और कितने? 3 और है मेरे बच्चे, 3 और है। 7 हमने देख लिया, अब 3 छोटे और हैं, हम उनको भी समझ ले फिर बात हमारी खत्म हो जाएगी। आओ जरा देखते हैं आपका यहाँ पे 8th आप जरा देखेंगे, लिखेंगे NBFC फैक्टर्स। ये आपका NBFC फैक्टर्स, सर ये क्या होते हैं? पहले फैक्टर्स का मतलब समझो मेरे बच्चे, जो अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं किसी कंपनी का, किसी फर्म का, और वो अकाउंटिंग को करने के लिए, अगर मान लो कोई आप काम करते हो उसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। जो अकाउंटिंग करते हैं उसको मतलब फैक्टरिंग कहते हैं। तो फैक्टरिंग को, यानी कि अकाउंटिंग, किसी कंपनी का अकाउंटिंग हो रहा है, किसी फर्म का अकाउंटिंग हो रहा है, कोई इस काम को करना चाहता है या कर रहा है मेरे बच्चे, वो फैक्टर्स को फाइनेंस करने के लिए, वो अकाउंटिंग के बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो NBFC, उसको बोलते हैं हम NBFC फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग वर्क। और इनको इनके स्मूथ रनिंग के लिए जो लोन फाइनेंस करता है वो NBFC फैक्टर्स आपको होते हैं। लिखेंगे रेस्ट देखिए यहां पे, दिस टाइप ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ये भी नॉन डिपॉजिट होते हैं बच्चे, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC are engaged in the principal business
प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग, ये एनबीएफसी किस काम में इंगेज है जी, फैक्टरिंग के अंदर में आपका है ना, इनका काम फैक्टरिंग यानी कि अकाउंटिंग वर्क को कंप्लीट करना है। कहता है कि द फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस, इन द फैक्टरिंग बिजनेस, फैक्टरिंग बिजनेस के अंदर में इनका जो फाइनेंशियल एसेट्स है मतलब जो इन्होंने कर्ज दिया हुआ है, शुड कॉन्स्टिट्यूट्स एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। मतलब इन्होंने जो फैक्टरिंग के बिजनेस में है, अकाउंटिंग के बिजनेस में है, उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कम से कम अपने टोटल एसेट्स का 50% उनको लोन दिया है। एंड इट्स इनकम, इनका जो इनकम भी होना चाहिए, इनकम डिराइव्ड फैक्टरिंग बिजनेस should not be less than 50% of its gross income, 50% assets, 50% income का इनका यहाँ पे निकल के आया बच्चे। लिखिए नाइन्थ आपका, फटाफट ख़त्म करते, इसको कुछ बचा नहीं, अब छोटा छोटा है यहाँ पे। मोर्टगेज गारंटी, मतलब ये गारंटी देते हैं, गारंटी कंपनी जो आपके मोर्टगेज यानी कि कुछ गिरवी रखना है उसके लिए गारंटी देते हैं बच्चे, वो एमसी है, एनबीएफसी, एमजीसी शॉर्ट में बोलेंगे, लिखना। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ बिजनेस टर्नओवर इज मोर्टगेज गारंटी। इनका जो मेन काम है वो गारंटी देना ही है बिजनेस, ठीक है ना, और एटलीस्ट 90% ऑफ ग्रॉस इनकम इज फ्रॉम मोर्टगेज गारंटी बिजनेस, ठीक है ना। एंड नेट ओन्ड फंड इज 100 crore और मोर, ठीक है ना। ये वो एनबीएफसी है जिनका काम ही गारंटी देना बच्चे, ये गारंटी देकर ही उनसे कुछ पैसे कमाती है। तो इनका जो टोटल एसेट्स है उसका 90% आपका उसमें लगा, जो इनका बिजनेस टर्नओवर है वो 90% गारंटी बिजनेस से आए, या फिर इनकम भी आपका 90% कोई भी एक हो और है दे रहे कोई भी एक आपका, तो हम उसको एमजीसी में डालेंगे। एंड टेंथ एंड लास्ट में लिखेंगे आप यहाँ पे एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिखेंगे डैश देके, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग NBFC-NOFHC, लिखना। इट इज़ अ फाइनेंशियल
institutions through which promoters group group will be permitted to set up a new bank. ये ध्यान देना आप मेरे बच्चे, NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये वो आपके NBFC होते हैं जो कुछ प्रोमोटर, कुछ लोग या ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि बैंक सेटअप करना चाहते हैं। तो कोई भी NBFC अगर आप बैंकिंग मोड में जाना चाहती है, बैंक के सारे फैसिलिटी को एंजॉय करना चाहती है, तो मेरे बच्चे उनको क्या करना होगा, NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी पहले फॉर्म करना होगा और फिर उसके बाद वो बैंक के सेटअप करने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकती है। ये टोटल हमारे पास 10 ऐसे आपके RBI का जो आपका डिस्टिंक्शन है आपके NBFC का, वो हमने आपको बताया मेरे बच्चे। आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, बस लिखाया, लेकिन आज मैं क्लास को यहीं रोकूंगा, आपको बहुत बोर कर चुका हूँ। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट में एंट्री करेंगे और सारी बातें जो हमने बताया उसको हम उसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आप ध्यान रखना, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, कोई बुक रेफर नहीं करना, एग्ज़ाम में जो भी कुछ आ सकता है, जो भी चीज़ आ सकती है, सारी बातें मैं हमको लिखा दिया है, आप इस पर फेथ करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता मेरे बच्चे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आगे के टॉपिक को कवर करने के लिए, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।